उसके बाद चौथा और इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे सामने आइडेंटिफाइंग कंपनीज इन स्ट्रॉन्गर एंड वीकेस्ट कंपनी। जिस इंडस्ट्री में हम हैं उस इंडस्ट्री में ऐसी कौन कौन सी कंपनी है जो हमसे वीकर है, और ऐसे कौन कौन से हमारे कॉम्पिटिटर हैं जो हमसे स्ट्रॉन्गर हैं, उनको हमको आइडेंटिफाई करना है। उन कंपनीज को हमको आइडेंटिफाई करना है जो मार्केट में हमसे ऊपर और नीचे की पोजीशन में है। अब यहाँ पे आइडेंटिफाइंग कंपनीज इन स्ट्रॉन्गर एंड वीकेस्ट कंपनी में आपको अंदाजा भी नहीं है आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छिपा हुआ है, बल्कि मैं इस कहूंगा कि सेवन फैक्टर मॉडल में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कोई है तो वो यहीं पर है, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग का, जो इस टॉपिक में से निकल के आता है। तो क्या कहता है ये आइडेंटिफाइंग कंपनीज इन स्ट्रॉन्गर एंड वीकेस्ट कंपनी, समझते हैं। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल और इवन फीजिबल टू स्टडी ईच कॉम्पिटिटर। सो फर्म्स हैविंग सिमिलर स्ट्रेटेजी और सिमिलर नेचर, फर्म्स आर प्लेस्ड इन अ ग्रुप कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक ग्रुप एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। समझ नहीं आया होगा आपको, मैं बताता हूं। देखिए क्या होता है कि अगर मैं किसी पार्टिकुलर इंडस्ट्री में हूं तो उस इंडस्ट्री में जितने भी सेलर हैं क्या सभी मेरे कॉम्पिटिटर हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में हूं, अब रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में हूं तो क्या सारी की सारी फूड कंपनी जितने भी हैं, जितने भी रेस्टोरेंट ढाबे होटल हैं, क्या सारी के सारे मेरे कॉम्पिटिटर हो गए, या उनमें से भी सिलेक्टिव हैं जो मेरे कॉम्पिटिटर हैं? अब मैं रेस्टोरेंट हूं और रेस्टोरेंट में मेरा काम है सिर्फ पिज्जा सप्लाई का, तो जो पिज्जा सप्लाई करने वाली कंपनी है, रेस्टोरेंट है, वो मेरे कॉम्पिटिटर होंगे, या पूरे के पूरे रेस्टोरेंट सारे के सारे होटल मेरे कॉम्पिटिटर हैं? दोनों ही फूड इंडस्ट्री में हैं, मैं भी फूड इंडस्ट्री में हूं और बाकी सारे भी फूड इंडस्ट्री में हैं, लेकिन मेरे कॉम्पिटिशन में कौन है? सारे के सारे वो लोग जो पिज्जा में डील कर रहे हैं, क्योंकि मैं पिज्जा में डील कर रहा हूं। अब मैं पिज्जा में भी डील कर रहा हूं तो मेरी जो प्रोडक्ट रेंज है वो सपोज करिए 80 रुपीज से लेके 1000 रुपीज तक का पिज्जा मेरी रेंज में आता है। अब कुछ ऐसी कंपनी है जिनका पिज्जा 2000 रुपए से स्टार्ट होता है, तो क्या वो मेरे कॉम्पिटिटर हैं? वो मेरे कॉम्पिटिटर नहीं है। सबसे पहले मैंने सिलेक्शन किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, कि भाई ठीक है फूड इंडस्ट्री है, मैं भी फूड इंडस्ट्री में बिलोंग करता हूं, और बाकी जो होटल हैं या जो दूसरे रेस्टोरेंट हैं वो भी फूड इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो मेरे कॉम्पिटिटर नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि आई एम डीलिंग ओनली इन पिज्जा, दो सेलर हु आर डीलिंग इन पिज्जा आर माई कॉम्पिटिटर। दूसरा फिल्टर मैंने लगाया प्राइसिंग पे, कि मेरे पिज्जा की जो रेंज है वो 80 रुपीज से स्टार्ट होती है और ऑलमोस्ट 1000 रुपीज पे खत्म हो जाती है। अगर कोई कॉम्पिटिटर मेरा ऐसा है या कोई सेलर मार्केट में ऐसा है जिसके पिज्जा की रेंज ही 2000 रुपए से स्टार्ट हो रही है, वो मेरा कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि उसके पिज्जा बेचने से मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसको मैंने कहा कि एक इंडस्ट्री के अंदर ऐसे लोग जो मेरे बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं, जिनसे मेरा कॉम्पिटिशन है, वो मेरे किस में आएंगे? स्ट्रेटेजिक ग्रुप में आएंगे। उन्हें मैंने कहाँ रखा? स्ट्रेटेजिक ग्रुप में, कि मुझे इन लोगों के साथ खतरा है, मुझे जो स्ट्रेटेजी बनानी है वो इन लोगों के लिए बनानी है, इनसे मुझे फाइट करनी है। और इस प्रोसेस को हमने नाम दिया स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग, कि एक चार्ट पे जहां मैंने अपने सारे सेलर रखे, सारे होटल आ गए, सारे रेस्टोरेंट आ गए, उसमें मेरे वाले कौन से हैं जिनसे मुझे कंपटीशन करना है या जो मुझसे कंपटीशन कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हमने नाम दिया स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। अब स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग कैसे होती है, तो देखिए इसके लिए मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया है। इन एन इंडस्ट्री देयर कैन बी वन और मोर स्ट्रेटेजिक ग्रुप। अब स्ट्रेटेजिक ग्रुप जब मैं बनाऊंगा तो अलग अलग टाइप के, मैंने बताया पहला मैंने किस पे बनाया, प्रोडक्ट पे, दूसरा मैंने किस पे बनाया, प्राइस पे, तो एक या एक से ज्यादा स्ट्रेटेजिक ग्रुप बन सकते हैं। तो देखिए क्या है वो चार्ट, स्ट्रेटेजिक ग्रुप आर फॉर्म बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटिव अप्रोचेस एंड मार्केट पोजीशन ऑफ फॉर्म्स, ये रहा वो चार्ट। देखिए मैंने जो स्ट्रेटेजिक ग्रुप बनाया, एक तरफ मैंने रखा है प्राइस, एक तरफ मैंने रखी है रेंज ऑफ प्रोडक्ट,
मैंने बात की पिज्जा की और मैंने बात की प्राइस की। अब ये कुछ कंपनियां हैं जितने भी डॉट आ रहे हैं, ये तीन कंपनियां, ये हर एक डॉट एक कंपनी है जो डील करती है मेरे वाले प्रोडक्ट, और ये उनका रेंज है जिस प्राइस में वो डील कर रहे हैं। तो मैंने इसको सर्किल कर दिया कि ये तीन लोग हैं जिनसे मेरा कॉम्पिटिशन है, और ये कोई दूसरा फिल्टर लगा, पांच सप्लायर मेरे सामने हैं, पांच लोग हैं इनसे मेरा कॉम्पिटिशन है, इनको भी मैंने सर्किल कर दिया, और ये चार हैं इनसे भी मेरा कंपटीशन है। टोटल मेरे सर्कल तीन फिल्टर में ये सप्लायर मैंने आइडेंटिफाई करे हैं मार्केट में कि इनसे मेरा कंपटीशन है। इसे मैं बोलूंगा हर एक सर्कल को, ये एक क्या है, स्ट्रैटेजिक ग्रुप है, और स्ट्रैटेजिक ग्रुप के अंदर जो ये पॉइंट दिख रहे हैं ये क्या है, वो फर्म्स हैं जिनसे मेरा कॉम्पिटिशन है। ये सर्किल जो होगा ये डिपेंड करेगा मार्केट टू मार्केट, मार्केट में कितने सारे लोग मेरे कॉम्पिटिटर हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग की जाती है। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप स्कैनर से या पास्ट ईयर के पेपर से इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को खुद ही समझ सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। आपसे सेवन की फैक्टर वहां नहीं पूछने वाला, सेवन की फैक्टर में कौन सा फैक्टर उसके काम का है वो पूछने वाला है, और उसका सबसे काम का एग्जामिनर का जो फैक्टर है वो यही है कि स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग बता दीजिए क्या होती है, कैसे बनती है। आपने वहां पर यही बता के आना है कि स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग से मतलब है कि हम एक इंडस्ट्री में ऐसे कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई करते हैं जिनका प्रोडक्ट या प्राइजिंग हमारे से मैच खाती है, हमारे से मेल करती है, हमें जिन लोगों के साथ कंपटीशन में उतरना है या जो लोग हमसे कंपटीशन कर रहे हैं ऐसे सेलर को आइडेंटिफाई करना है। ऐसे सेलर ही स्ट्रेटेजिक ग्रुप के अंदर आते हैं, और इस प्रोसेस को स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग कहते हैं। ये चार्ट आप वहां बना के आ जाएंगे, बता के आ जाएंगे कि ये देखिए इस सर्किल के अंदर जो सेलर हमको दिख रहे हैं ये हमारे स्ट्रेटेजिक ग्रुप है। कैसे बनता है स्ट्रेटेजिक ग्रुप, आइए एक एक स्टेप को समझते हैं। प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग, स्टेप वन, आइडेंटिफाई वेरिएबल बेस्ड ऑन विच फर्म्स कैन बी क्लासिफाइड सच एज फीचर, प्राइस, कॉम्पिटिटिव अप्रोचेस, रेंज ऑफ प्रोडक्ट एक्सेट्रा। जिस पे हमने बात की कि पिज्जा बना रहे हैं तो पिज्जा की बात करेंगे, प्राइस बना रहे हैं मेरा 80 रुपए से लेके 1,000 रुपए तक का है तो उस पर बात करेंगे, 2,000 वाले को क्यों रखना है भाई। उसके बाद प्लॉट फर्म्स ऑन अ मल्टीपल वेरिएबल मैप, हमने मैप पे उन फॉर्म्स को प्लॉट किया और सर्किल किया कि ये फॉर्म्स हैं। उसके बाद प्लेस फॉर्म हैविंग सिमिलर स्ट्रेटेजी इन सेम ग्रुप। उसके बाद ड्रॉ द सर्किल अराउंड ईच ग्रुप वेयर साइज ऑफ सर्किल रिप्रेजेंट मार्केट साइज, कि एक सर्किल के अंदर कितनी फॉर्म्स आ रही थी और वो सर्किल क्या बन गया था हमारा, स्ट्रेटेजिक ग्रुप। तो ये था प्रोसेस स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग का। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, हर एक दो अटेम्प्ट के बाद क्वेश्चन रिपीट हो रहा है।